नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का दोस्तों ये जो भर्ती है दोस्तों वो आ चुका है। ITI डिप्लोमा डिग्री सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका जो डेट है वो दे दिया गया है दोस्तों। देखिए नोटिस डेट है 13/3/2024, ये आपका नोटिस डेट है। और 20 मार्च 2024 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और जो आपका फीस पेमेंट होगा दोस्तों 20 मार्च से 19 अप्रैल 2024 के बीच में होगा। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 19 अप्रैल 2024। और एडमिट कार्ड दोस्तों जो होगा आपका 30/4/2024 को आपको डाउनलोड होगा। जो रिटर्न एग्जाम है दोस्तों 11 मई 12 मई और 14 मई को यहाँ पर डेट रखा गया है। तो इन 3 दिनों में आपका पेपर भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसमें देखिए जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं बी ए बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए है। 21 से 28 साल यहाँ पर एज मांगा गया है। और दूसरा यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस का है। यहाँ पर देखिए आपका ये भी असिस्टेंट मैनेजर SNT का, ये भी आपका BBTEC के आधार पर है। 21 से 28 साल एज है। असिस्टेंट मैनेजर IT का यहाँ पर 21 से 28 साल, मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगा गया है। और असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट के यहाँ पर देखिए भर्ती 21 से 28 साल है। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट का यहाँ पर 21 से 28 साल एज है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के यहाँ पर देखिए MBA के आधार पर 21 से 28 साल अपर एज लिमिट है। बाकी यहाँ पर वैकेंसी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरीट का है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में अगर देखेंगे, अगर भर्ती के बारे में यहाँ पर देखिए दोस्तों JEE की भर्ती आ चुकी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 88 पोस्ट है। यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। 21 से 28 साल अपर एज लिमिट है। जूनियर इंजीनियर SNT का दोस्तों ये भी आपका डिप्लोमा बेस पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 21 से 28 साल एज होना चाहिए। 44 यहाँ पर पोस्ट है। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेनिंग ऑपरेटर के यहाँ पर 3 ईयर का ये भी आपका डिप्लोमा बेस पर है। 21 से 28 साल अपर एज लिमिट है। ठीक, तो और यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट असिस्टेंट के दोस्तों 8 सीट है, BCOM पर है। और ऑफिस असिस्टेंट का 3 ईयर 4 ईयर ग्रेजुएशन पर है। और यहाँ पर देखिए पब्लिक रिलेशंस का यहाँ पर बैचलर डिग्री पर है। और यहाँ पर देखिए मेंटेनर ITI वाले कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर 78 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी में 24 सीट है, EWS का 13 सीट है, OBC का 21 सीट है, SC को यहाँ पर 19 सीट है, ST की 1 सीट है, वुमेन का 15 सीट है। यहाँ पर ITI NCVT SCVT सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इसमें आपका होना अनिवार्य है। 21 से 28 साल अपर एज लिमिट है। मेंटेनर SNT का दोस्तों यहाँ पर है 26 यहाँ पर पोस्ट है। 21 से 28 साल अपर एज लिमिट है। अनरिजर्व कैटेगरी में 6 पोस्ट है, EWS का 5, OBC का 8 है, SC ST का यहाँ पर 6 और 1 सीट है, यहाँ पर वुमेन का 5 सीट है, ESM का 1 सीट है। ITI NCT या SCVT इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैंने पूरे डिटेल बता दिया है। जिनको चेक करना है या फॉर्म भरना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। CBT एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, तो देखिए आपका जो सेंटर रहेगा आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर में रहने वाला है आप लोगों का एग्जाम सेंटर। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों। बाकी यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल है वो आप लोग देख सकते हैं। तो फॉर्म भरने का दोस्तों आप लोगों को जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।